जो न खाए बाड़ी वो कैसा पहाड़ी। सब्जी है हरी हरी, गार्डन से लाई अभी अभी। जय देव भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड की पावन धरती ने हमें और हमारे पूर्वजों को अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ अनाज हमें दिए, जिसमें विशेष है कोदा। कोदा को संस्कृत में मक्र कहा जाता है, मंडवे के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं में इसका अलग अलग नाम है, जैसे अंग्रेजी नाम इसका फिंगर मिलेट है। यहाँ पे इसी नाम से ये बाजार में मिलता है, इसका आटा या रागी फ्लोर के नाम से मिलता है। तो इसके रंग रूप पे मत जाओ, इसके गुणों में जाओ, तो आज आपका शेफ पाड़ी भुला इसका कुछ बनाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। चलो आगे देखते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी को मेरे YouTube चैनल से पाड़ी भुला यूके से यूके तक में स्वागत। मैं आज बनाने जा रहा हूँ अपना पाड़ी ब्रेकफास्ट, कोदा का बाड़ी और हरी सब्जी। सब्जी है हरी हरी, गार्डन से लाई अभी अभी। हमें चाहिए थोड़ा जखिया जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध तड़का है, और थोड़ा सा देसी घी और रागी फ्लार। यहाँ यूके में इसकी पैकिंग ऐसी मिलती है। और मज़े की बात यह है कि पहाड़ के यूके में इसको कोदा बोलते हैं और यहाँ के यूके में रागी फ्लार बोलते हैं। और सब्जी को हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। चलो शुरू करते हैं अब बाड़ी बनाना। कढ़ाई लेंगे, उसमें कम से कम 2 गिलास पानी इनफ है 50 ग्राम रागी फ्लार के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम सब्जी बना देते हैं। ये हमने देसी घी डाला, देसी घी गर्म हो गया। अब हम इसमें जखिया डालेंगे जो हमारा उत्तराखंड का प्रसिद्ध तड़का है। और अब हम इसमें सब्जी डालेंगे। तो सब्जी को काटने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे मरोड़ेंगे और तड़के में डालेंगे। अरे वाह, सब्जी को देख के तो नेगी जी का गाना याद आ गया। भुज बनांदी छुई लगांदी, भुज चूल्हे माँ फूके जांदी मेरे सगवरिया अब खबंडी। और अब हम इसमें डालेंगे हिमालय नमक, इसमें कोई भी मसाले की जरूरत नहीं है। और इसको ढक देंगे। अब हमारा पानी गर्म हो गया और हम बाड़ी बनाना शुरू करेंगे। और आज हम डुइला की जगह बेलन यूज कर रहे हैं। तो भाई बाड़ी तो बनाना है ना कैसे भी करके, तो इसको बराबर हिलाना है, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और खाने में मज़ा नहीं आएगा। वैसे तो ही अपने में 100 गुण संपन्न है, इसके हेल्थ बेनिफिट बेशुमार हैं। और जैसे कि इसमें फाइबर है, आपके आंतों और पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और इसमें विटामिन डी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, जो आपकी हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है और कैल्शियम की पूर्ति करता है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, खास करके बच्चों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनके शरीर में ह्यूमन्स ग्रो मोमेंट हार्मोन्स की कमी होती है, इसीलिए हाइट बढ़ने में रुकावट आती है, तो ये उस चीज़ की भी पूर्ति करता है। आप अपने बच्चों को चाहे दलिया रोटी चाहे बाड़ी के रूप में इसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। और तभी तो बच्चे स्वस्थ और दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग खुद भी बाड़ी खाते थे और अपने बच्चों को भी खिलाते थे और 100-100 साल तक रुष्ट पुष्ट रहते थे। और आजकल तो बिना पिज्जा बर्गर और पास्ते की तो बात के बिना बात ही नहीं होती है। और यहाँ तक कि आजकल तो गांव में भी चौमीन में मैगी में रोटी खाई जा रही है। तो सब ये वक्त वक्त का खेल है। और ये हमारा गर्मा गर्म बाड़ी तैयार हो गया। अब हम डुइला छुड़ाएंगे। अब दादी माँ का नुस्खा याद आ गया, दादी अपने हाथों पे घी लगा के और ये डुइला छुड़ा के हम तैयारी करते खाने की। एकदम रेडी हो गया और
ये सब्जी लेंगे साथ में, आप देखो आप आएगा मजा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा देसी घी भी ले सकते हैं, शुद्ध देसी घी। मुझे तो पसंद है भाई, मैं तो थोड़ा ले रहा हूँ। और वैसे देसी घी तो अगर लिमिट से खाया जाए डाइट के साथ तो शरीर के लिए फायदेमंद है। खाओ बाड़ी, स्वस्थ रखो नाड़ी, तो जो न खाए बाड़ी वो कैसा पहाड़ी, तो हम खाएंगे हाथ से बाड़ी। वाह, साथ में सब्जी। बड़ा आनंद आ रहा है बाड़ी और हरी सब्जी का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। और बीच में जो जकिया के दाने टक टक खवा जा रहे हैं ना मुंह में, बहुत ही उम्दा है। तो आप भी जरूर ट्राई करना है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, कभी कभी बाड़ी भी खाए करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिया पहाड़ी भुला, यूके से यूके तक, उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम तक, आपका दिल से आभार। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।